डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। इस समय शादी विवाह का मौका है, छेना भी खूब खा रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो इसके पहले दिया था आप लोगों को, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी को मैं समझाया था, लेकिन प्रूफ नहीं दिया था और बोला था कि प्रूफ आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तो एक बात और भी कन्फर्म बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है, यह सिलेबस से कटा हुआ है, सिलेबस में है नहीं, लेकिन मात्र एक एक्सरसाइज। तो उस एक्सरसाइज से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनकम्प्लीट सा होगा, तो पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। और ऐसे बच्चे जो कुछ मैथ्स में आगे कुछ करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंप्लीट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और आधा अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ओके, तो आज हम हेडिंग आप लगा लीजिए, प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें बेटा एक चीज हम नहीं बताए थे जिसका यूज हम लोग बार बार किए थे, उसको तो हम लास्ट में कराएंगे। एक चीज ये देखो, एक प्रॉपर्टी मान ली, पहली प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ, इसमें पार्ट ए लेता हूं, साइन इनवर्स यक्स, ये बराबर बेटा यक्स तो होगा, ये बराबर यक्स तो होगा, लेकिन यहां यक्स किसका है? साइन इनवर्स का डोमेन है। ये यक्स क्या है? साइन इनवर्स का डोमेन है। किसका? साइन इनवर्स का डोमेन है। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है पता है आप लोगों को? फ्रॉम -1 to 1। ओके, ध्यान दीजिए। फिर देखो, इसी में अगर हम कह दें कि साइन इनवर्स साइन एक्स, ध्यान देना, यह भी इसकी वैल्यू होगी एक्स, लेकिन इस एक्स में दोनों में अंतर है। ये एक्स साइन इनवर्स का डोमेन था और यह एक्स साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, साइन एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। मतलब कि एक्स का वह मान जिसमें साइन एक्स क्या है? बाइजेक्टिव है। तो साइन एक्स कहां पर बाइजेक्टिव है? एक्स बिलोंग टू -π/2, फ्रॉम -π/2 to π/2। तो यक्स जो है इसी के बीच में है, -π/2 से लेकर के π/2 तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ यक्स क्या है? -1 से लेकर के 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका प्रूफ तो है लेकिन करवाऊंगा नहीं। इसी तरह से सब है। ऐसे मैं कह दूं cos इनवर्स यक्स बराबर यक्स होगा। अब यहाँ यक्स बिलोंग्स टू cos इनवर्स यक्स का डोमेन क्या होता है? अरे यार, अपोजिट उल्टा हो जाता है ना, आपको बताया गया रहा होगा, फिर से ख्याल करिए। cos कहाँ था? ये 0 से π था ना, कहा था? फ्रॉम जीरो टू पाई इज इक्वल टू ये -1 इज बाइजेक्टिव। याद करो, बाइजेक्टिव है। अब इसका इनवर्स ले लिए, कॉस इनवर्स -1 and 1 टू क्या कम हो गया
इसका डोमेन क्या हुआ, फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन, फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। ओके, तो आप क्या करेंगे भैया यहां, अब कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हुआ, फ्रॉम माइनस वन टू वन। ओके, अगर मैं कह दूं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डोमेन निकालो जिसमें ये बाइजेक्टिव है, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से बिलोंग करेगा एक्स ना, एक्स किससे बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से, तो क्या होगा ये फ्रॉम जीरो टू पाई। सी देखिए, सी अब मैं कहूं टैन टैन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए सॉरी बराबर एक्स होगा, बराबर एक्स होगा, लेकिन यहां एक्स क्या है, एक्स किसके बिलोंग कर, किससे बिलोंग करेगा, ये टैन इनवर्स एक्स के डोमेन से, टैन इनवर्स एक्स के डोमेन से। तो टैन इनवर्स एक्स का डोमेन आपको पता होगा कि आर रियल नंबर है, क्या है आर रियल नंबर, आपको टेबल में बताए थे। अब बताओ टैन इनवर्स टैन एक्स अगर मैं कर दूं तो यह भी एक्स होगा। अब यहां पर एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से यह बिलोंग करेगा, टैन एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है बोलो, ये है बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू, मेरे ख्याल से यही तो है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू की इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा था, इसलिए ये क्या होगा, ये या ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, अब आइए टैन का अभी तीन एक हुआ, अभी तीन और बाकी है। डी देखिए, कॉट कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा, लेकिन यहां एक्स किसके बिलोंग करेगा, कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन से, कॉट इनवर्स एक्स के डोमेन से। तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, जो टैन का वही कॉट का है रियल नंबर। अगर मैं यही कह दूं कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, तो ये एक्स क्या है कॉट एक्स, ये जो एक्स है किससे बिलोंग करेगा, कॉट कॉट एक्स के प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू से, कॉट एक्स का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, ओपन इंटरवल बिटवीन जीरो एंड पाई ना, ये हुआ। चलो ई देखता हूं, साइन कॉस टाइम कॉस, सिर्फ कोसेक बचाना, सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा, कब होगा, जब एक्स कहां से बिलोंग करेगा, कब बिलोंग करेगा, सेक इनवर्स एक्स के डोमेन में होगा, सेक इनवर्स एक्स के डोमेन में होगा। और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन आपको बताया थे बहुत लंबा, ऐसे बताए थे ना कि माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, सॉरी यहां ये यूनियन प्लस वन टू इन्फिनिटू, ये बताए थे। हमने कहा था कि इसकी जगह पे हम यह भी ले सकते हैं क्या, आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन वन। ओके, दिख रहा है कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है, अभी खूब दिख रहा है यार। एफ देखो, अच्छा सॉरी एफ नहीं, अभी तो ये बाकी है इसका। अगर मैं कह दूं सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स होगा, ये बराबर एक्स होगा, लेकिन एक्स कहां बिलोंग करेगा, सेक एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, कहां सेक एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, आपको पता है खूब पता है ये क्या था, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब लास्ट आपका आता है मेरे ख्याल से पूछ वन टू थ्री फोर फाइव, चलो ये अट जाएगा कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा,
बराबर यक्ष होगा, लेकिन कब? जब यक्ष बिलोंग करेगा किससे? कोसेक इनवर्स यक्ष के डोमेन से। तो कोसेक इनवर्स यक्ष का डोमेन क्या है? वही जो काट का है, सॉरी जो सेक का है, आर माइनस माइनस वन वन। ओके चलो अब कह दूं कोसेक इनवर्स कोसेक यक्ष ये भी बराबर यक्ष होगा, लेकिन कब? जब यक्ष कहां बिलोंग करेगा? कोसेक यक्ष के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से। ठीक है, तो आपको पता है इसका क्या होता है, केवल जीरो पर ये नहीं है, ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो, जीरो पर ये इन्फिनिटी को अटेंड कर रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर लोग लिख दिया करते हैं इतना बराबर इतना। जैसे मैं लिख दूं, ये बताओ, ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि साइन साइन इनवर्स टू क्या बराबर टू लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि टू डज नॉट बिलोंग टू माइनस माइनस वन एंड वन। ध्यान दीजिएगा, यह नहीं होगा, यह हो ही नहीं सकता। समझ भाई बात की नहीं? तो इसीलिए अगर कोई पूछे क्या हमेशा साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स बराबर, जिसे मैं इसका ले रहा हूं साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन 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 इनवर्स एक्स, क्या हमेशा बराबर एक्स होगा? नहीं। ये कब होगा एक्स? जब इसकी वैल्यू कहां हो? माइनस वन से प्लस वन तक हो। ठीक है, जैसे मैं कह दूं साइन इनवर्स साइन यक्स ना, या साइन, अच्छा साइन इनवर्स साइन पाई, क्या इसको हम पाई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि एक यक्स कहां होना चाहिए? माइनस पाई बाय टू से लेकर के पाई बाय टू, यह पाई क्या है? ग्रेटर देन पाई बाय टू है, इसलिए यह नहीं हो सकता। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये जो है एक यहाँ जो यक्ष आ रहे हैं एक निश्चित प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या निश्चित डोमेन से इसको ये बिलोंग करेगा। ये ठीक है, यह यक्ष जो है निश्चित या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या निश्चित डोमेन ना में ही ये बिलोंग करेगा ये। ठीक ना, ऐसा नहीं किया जो मन में आया वो लिख दिया, लिख दिया साइन इनवर्स, लिख दिया कि साइन इनवर्स साइन टू पाई बराबर बराबर क्या लिख दिया? टू पाई लिख दिया, पाई लिख दिया, पाई बाई टू लिख दिया, नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये संभव ही नहीं है, ये टू पाई तो संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यह माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नोट इट प्लीज। चलिए भाई, ये तीन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, ये तीन प्रॉपर्टी साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक माइनस कोसेक सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, देखिए हम ग्राफ से भी इसको दिखा सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। अगर आपका कमेंट आता है तो आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा आपको वीडियो देने का, लेकिन जब तक आपका कमेंट नहीं आता है, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करते हो कि सर प्लीज, देन आई विल गिव यू वीडियो। ठीक है, तो बेटा हम एक प्रूफ कर दे रहा हूं, ए वाला।
लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू अल्फा ना, तो माइनस एक्स इजकल टू व्हाट? साइन अल्फा। एक्स इजकल टू व्हाट? माइनस साइन अल्फा। सॉरी यार, माइनस साइन अल्फा होगा कि नहीं होगा? क्या इसको हम साइन माइनस अल्फा नहीं लिख सकते? एक्स स्क्वायर टू ले सकते हैं। अब बताओ कि माइनस अल्फा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स या अल्फा बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और अल्फा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से ये भी कर सकते हैं, जहां साइन है वहां टैन हो जाएगा, बस जहां जहां साइन है वहां वहां टैन, जहां जहां साइन है वहां वहां कोसेक हो जाएगा, कर लेंगे। अरे यार, साइन की जगह पर टैन लिखो तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, साइन की जगह कोसेक लिख दो तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा, केवल यही तो बदलना है ये वाला, ठीक है। अब दूसरा का ए बी सी, फिर तीसरा का, तीसरा का क्या था? कॉस इनवर्स, तीसरा तीन पार्ट था ए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी आपको लिखाई गई। आप सामने होते तो मैं आपसे पूछता भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो मेरे ख्याल से ये था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यह भी था क्या? अभी प्रूफ करने पर, अगर मान लीजिए मैं गलत लिख रहा हूं, प्रूफ करने पर आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यह भी था पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी बताई गई थी ए बी सी, ए प्रूफ करना। लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू अल्फा, जैसे यहां किए थे, माइनस एक्स इजकल टू कॉस अल्फा, एक्स इजकल टू माइनस कॉस अल्फा। अब बताओ माइनस कॉस अल्फा कितने की वैल्यू है? कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्री कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस, सॉरी पाई माइनस अल्फा बराबर माइनस कॉस अल्फा हुआ, तो पाई माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। बोलो भाई, अल्फा को उधर ले जाता हूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दैट्स व्हाट अल्फा, या अल्फा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और अल्फा किसकी वैल्यू भी है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स की, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके बेटा, इसी तरह से जैसे यहां पर जहां कॉस है वहां काट ले लो, ये भी प्रूव हो जाएगा, जहां कॉस है वहां सेक ले लो, समझ गए कि नहीं? इसे बी में क्या मानोगे? लेट कॉस इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, ठीक है, फिर कहानी वही शुरू हो जाएगी, कॉस की जगह पर काट होता चला जाएगा। सी में भी वही ले लो, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर अल्फा, फिर अब कहानी यही चलेगी, जहां कॉस है वहां सेक होता चला जाएगा, ठीक है। नोट इट प्लीज। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी में, फोर्थ में तीन प्रॉपर्टी बताई गई थी, साइन इनवर्स माइनस
साइन इनवर्स वन अपान एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, फिर ये बताया गया था, समझाया गया था। एक को मैं प्रूफ करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, क्या ए को लेफ्ट कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू व्हाट कोसेक अल्फा, दैट्स व्हाट वन अपान साइन अल्फा, ओके, या साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट वन अपान एक्स, साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट वन अपान एक्स, ठीक है, यानी अल्फा इज इक्वल टू व्हाट साइन इनवर्स वन अपान एक्स, ओके, अल्फा की वैल्यू रख दो, कोसेक सॉरी यार कोसेक लिखता हूं, लिखना चाहता हूं कोसेक लिख देता हूं, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, और साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। ऐसे ही आप बी वाला भी कर सकते हैं, सी वाला भी कर सकते हैं। सी वाला बता दूं क्या, लेट का एकदम सेम ऐसे ही काट इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा बराबर वन अपॉन टैन अल्फा, और टैन अल्फा बराबर क्या वन अपॉन एक्स, अल्फा इक्वल टू व्हाट टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स, और अल्फा का मान क्या है काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स ना, या टैन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू काट इनवर्स एक्स, सो सिंपल यार, ठीक है, नोट इट प्लीज। चलिए पांचवा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय टू। इसमें एक विशेषता देख रहे होंगे कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन समान है, डोमेन क्या है समान है, टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन समान है, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन समान है। मतलब तीन डोमेन याद करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ साइन का याद कर लिए कॉस का हो गया डोमेन, टैन का डोमेन याद कर लिए तो कॉट का हो गया, सेक इनवर्स का डोमेन याद कर लिए तो कोसेक इनवर्स का हो गया। तो अब बताओ यहां से एक बात निकल के आती है कि सम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैविंग सेम डोमेन इज इक्वल टू पाई बाय टू। ऐसे दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके डोमेन समान हो तो उनका सम कितना होता है पाई बाय टू। कहीं नोट में लिख लो इसको, कहीं पर हो सकता है एक नंबर में ट्रू फॉल्स में कहीं पूछ दे तो आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रूफ में, इसमें प्रूफ पहला प्रूफ करते हैं, हम ये लेता हूं अभी कितना बचा है, क्या बचा है, चलिए भाई अब पहले मैं पहले ये मान लेता हूं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट अल्फा, और कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बीटा, मान लिया, मान लिया तो एक्स बराबर क्या होगा साइन अल्फा, और यहां पर एक्स सॉरी हाँ एक्स बराबर क्या होगा कॉस बीटा, कॉस बीटा, दो चीज आपने क्या लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, अब कुछ करना पड़ेगा हमको, क्या करूं क्या करूं क्या करूं भाई, क्या करूं, एक काम करो छोड़ो, को पाई बाय टू लाना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बता दो, क्या ये कॉस पाई बाय टू माइनस अल्फा नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है, तो पाई बाय टू माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा क
कास इनवर्स एक्स, बोलिए यार, या पाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स प्लस अल्फा, या पाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स प्लस अल्फा, क्या माने हैं, साई इनवर्स एक्स। ठीक है, मतलब कि साई इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए, अगर ये करना है तो चलो भाई सब कुछ साइन मिटा दो, ये सब मिटा दो ना, टैन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा टैन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा काट पाई बाई टू माइनस अल्फा ना, पाई बाई टू माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा काट इनवर्स एक्स, सब फिट कर दो इसी में, काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, और अल्फा की जगह क्या लिख दो, यहाँ काट है यहाँ टैन इनवर्स एक्स हो गया, तो क्या फार्मूला बन गया, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू ना। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं आप, नोट इट प्लीज। चलिए छठा देखिए, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, अब एक्स वाई का मान लेस देन वन होना चाहिए जिससे ये पॉजिटिव रहे, निगेटिव नहीं आए। ठीक है, और टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, फिर यहाँ पर लिखा है कि टैन इनवर्स एक्स सॉरी एक्स वाई की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन माइनस वन, इसे माइनस वन अपॉन टू हो, माइनस वन अपॉन थ्री हो, माइनस वन अपॉन फोर हो, ऐसा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कंडीशन दे दिया, अब प्रूव करना है आपको, पहला प्रूव कर देता हूं, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ए लेट टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा और टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बीटा। ओके, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टैन अल्फा, एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट, टैन बीटा। हो गया, टैन एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, टैन एक्स प्लस टैन वाई अपॉन वन माइनस टैन एक्स टैन वाई। ओके, चलो टैन एक्स की वैल्यू कितनी है भैया, टैन एक्स की वैल्यू नहीं यार गलत कर दिए, अल्फा प्लस बीटा कर दिए, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा यहाँ क्या बीटा, अल्फा यहाँ बीटा। चलो टैन अल्फा की वैल्यू कितनी है भैया, एक्स, टैन बीटा कितनी है वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ओके, और अल्फा की वैल्यू क्या भैया, अल्फा बीटा की, टैन इनवर्स एक्स, बीटा की टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाट, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ओके बेटा, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, अल्फा माइनस बीटा का, किसमें लगाओगे अल्फा माइनस बीटा का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, अरे यार बी वाले में कर दो ना, टैन अल्फा माइनस बीटा बराबर टैन अल्फा माइनस टैन बीटा अपॉन वन प्लस टैन अल्फा टैन बीटा ना, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, मान तो यही है, माना हुआ यही चलेगा, तो ये टैन अल्फा बराबर क्या हुआ, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, अल्फा माइनस बीटा बराबर टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई,
और अल्फा माइनस बीटा मतलब टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स वन एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, नोट इट प्लीज। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखिए, टू टैन इनवर्स एक्स का तीन फार्मूला दिया गया है, टैन इनवर्स के फार्म में, साइन इनवर्स के फार्म में, कॉस इनवर्स के फार्म में। इसको प्रूफ करते हैं, पहला तीनों प्रूफ करूंगा इसको। आपकी बुक में तो सिर्फ एक का दिया हुआ है। लेट टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा, ओके, एक्स इक्वल टू टैन अल्फा। ठीक है, तो टैन टू अल्फा का क्या सूत्र होता है बेटा, टैन टू ए, याद करो, टू टैन अल्फा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा, टू टैन अल्फा टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो टू अल्फा इज इक्वल टू वन, टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू अल्फा यानी अल्फा क्या है, टैन इनवर्स एक्स है, तो टू टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसी लगे हाथ बी चलता, चलो भाई फिर वही टैन इनवर्स एक्स बराबर अल्फा, एक्स इक्वल टू वन टैन अल्फा, ओके। चलो यहां से अब हम राइट हैंड साइड लिखता हूं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स, केवल x की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, 2 टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, ये बेटा साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा। कक्षा 10 में बहुत यूज किए इसको आप लोग, या 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें भी बहुत यूज किए आप लोग। ठीक है, अब सब तो बराबर क्या हुआ, ये भैया साइन इनवर्स साइन टू अल्फा, ओके, ये बराबर क्या हुआ टू अल्फा, और टू अल्फा किससे बिलोंग करेगा भैया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच विल बिलोंग टू माइनस पाई बाई फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। ध्यान दो ये टू अल्फा इसी के बीच में होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। चल टू अल्फा बराबर क्या हुआ टू टैन इनवर्स एक्स, मतलब टू टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस मच, टू टैन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। चलिए नोट करिए, अभी ये वाला बता देता हूं, थर्ड चलो सी देखिए, अब टैन इनवर्स है बराबर अल्फा यानी एक्स स्क्वायर टू टैन अल्फा। अब देखो ये पता होगा आपको कॉस टू ए बराबर वन माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, याद होगा ना, इसी का सहारा ले रहा हूं, कॉस टू अल्फा बराबर वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू अल्फा बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। अब टू अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है टैन इनवर्स एक्स, आर टू टैन इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के अनुसार एक्सरसाइज 2.2 में जितनी प्रॉपर्टी है, जो ओरिजिनल बुक है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ओरिजिनल बुक से, एनसीईआरटी की ओरिजिनल बुक से इतनी प्रॉपर्टी दी हुई है, सबका मैंने डेरिवेशन करा दिया। और अभी लगभग तीन प्रॉपर्टीज और हैं, तीन प्रॉपर्टीज और हैं, अगर हम लोग उसको पढ़ लेते हैं तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जेई मेन लेवल का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कहना होगा कमेंट बॉक्स में, सर प्लीज टेल मोर प्रॉपर्टीज, या थ्री मोर प्रॉपर्टीज, तीन और प्रॉपर्टीज को बताइए। एंड आल्सो ये भी कमेंट करिए, एंड गो टू जेई लेवल, गो टू एंड प्लीज गो टू जेई लेवल, ये सब लिखेंगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी, मेरे बच्चे चाह रहे हैं, भाई मेरा प्लेटफॉर्म इतना हाई फाई है नहीं कि लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे व्यूवर्स हैं, हम तो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, या भाई पास पड़ोस के जो बच्चे 10-20 और सब्सक्राइब कर लिए हैं वो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते तो मुश्किल से 17-18-20 लोग हो, 12-13 लोग हो, तो 12-13 लोगों में से जो चाहते हैं, अगर एक भी चाह रहा है तो कमेंट करें, अगर जेई लेवल का चाह रहा है तो बताएं, तो हम आगे प्रॉपर्टी बताएंगे, क्यों इतना लिस्ट दीजिए। हाँ सर ट्राई फॉर जेई लेवल, जेई मेंस लेवल, इतना भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे को क्या चाहिए और क्या हमको देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, बता दिया हूँ डिटर्मिनेंट और वो मैट्रिक्स अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, डिटर्मिनेंट खोलिए, मैट्रिक्स खोलिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज पढ़ाने के बाद मैं 10 डेज का मौका दूंगा आपको, 10 डेज में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आफ्टर 10 डेज वी विल स्टार्ट कैलकुलस डिफरेंशियल। ओके थैंक यू सो मच अगेन।